बिहार का सबसे पहले खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हर मध्यवर्गीय परिवार का होगा सपना साकार, क्योंकि गया शहर में हिमालय हाई प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है आसान किस्तों पर फ्लैट के लिए स्कीम। गया शहर के नूर कंपाउंड नियर सिविल लाइन थाना स्थित हिमालय हाई प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय का उद्घाटन जदयू के प्रदेश महासचिव सहपुर विधायक अभय कुशवाहा के द्वारा फीता काटकर किया गया। उद्घाटन के मौके पर मुख्य अतिथि श्री कुशवाहा ने कहा कि आज बिहार सुगमता पूर्वक अपने शहर में अनेक संस्थान खोलने लोग बाहर से बिहार आ रहे हैं, जिसमें रोजगार का सृजन हो रहा है। पूरे बिहार में अमन चैन एवं सद्भाव का माहौल पैदा हुआ है। बिहार आज विकास से लगातार बढ़ रहा है। वहीं इस मौके पर हिमालय हाइट के डायरेक्टर डॉक्टर चंदन कुमार ने बताया कि हमारा प्रोजेक्ट डीएवी स्कूल के पास में शुरू है, साथ साथ करमोनी के पास भी बनाया जा रहा है, जिसमें 50% जमा करने के बाद क्लाइंट को आसान किस्तों पर दिया जाएगा। हिमालय हाइट प्रॉपर्टी लेने वालों के लिए एक से बढ़कर एक स्कीम लेकर आ रहे हैं, जो जनता के बीच में समर्पित होगा। इस मौके पर चंदन कुमार, ब्रजेश कुमार, मिथुन कुमार, वीरेंद्र कुमार उर्फ नाटू भैया समेत दर्जनों लोग मौजूद थे। न्यूज़ 9:18 के लिए हैदर जमील की रिपोर्ट। सबसे पहले तो आज हम बधाई देना चाहेंगे। आज बहुत ही अच्छा दिन है, भाई बहनों के प्यार का दिन, रक्षाबंधन का दिन है। और इस शुभ अवसर पर आज हिमालय हाइट प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का आज कार्यालय का विधिवत उद्घाटन हमारे द्वारा किया गया। हम धन्यवाद देना चाहेंगे एमडी भाई चंदन जी को, ब्रजेश जी को, वीरेंद्र बाबू को, आभार प्रकट करना चाहेंगे इस कंपनी के प्रति जिन्होंने हमें आमंत्रित किया इस शुभ अवसर के लिए। सबसे पहले तो धन्यवाद देंगे और निश्चित तौर पर ये जरूर कहेंगे कि जब से ये काम यहाँ पे कर रहे हैं और रियल एस्टेट का काम, और सही कहा चंदन जी कि रियल एस्टेट भी एक उद्योग है और इस उद्योग से जाने अनजाने कई को तरह का रोजगार उत्पन्न होता है, जो सब रोजगार के रूप में लोग प्राप्त करते हैं। और बेरोजगारी दूर करने का रियल एस्टेट एक बहुत ही अच्छा माध्यम है, साधन है। और जिस तरह का इनका काज करने का तरीका है इस कंपनी का, हिमालय हाइट का, अनेकों जगह पे प्लॉट वगैरह लेते हैं, उसको लॉटरी के माध्यम से लॉटरी करते हैं, मतलब जो सपनों का, जो लोग घर बसाने का, जो सपनों में जो घर रहता है उसको आसानी तरीके से किसी प्रकार का बोझ भी नहीं हो और उनका सपनों का घर भी बस जाए, इस तरह का सोच लेकर के हिमालय हाइट के जो डायरेक्टर हैं, एमडी हैं और उनके जो सदस्य हैं चल रहे हैं। हम इनको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और इस चीज का लाभ, मतलब इसका लाभ सिर्फ गया जिले के वासी ही नहीं बल्कि मगध प्रमंडल के, औरंगाबाद हो, नवादा हो, उधर अदर्स राज्य भी हम कह सकते हैं, चतरा हो, इधर आपका ये बरही वगैरह हो, ये सारे लोग भी इनके द्वारा प्लॉट वगैरह और प्रॉपर्टी वगैरह जो उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर पूरी कंपनी बधाई के पात्र हैं और जाने अनजाने इस कंपनी के द्वारा अनेकों प्रकार का सब रोजगार उत्पन्न कर रहे हैं, बेरोजगारी को दूर कर रहे हैं। हम इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं और हम शुभकामनाएं देते हैं कि आप आज के दिन इस कार्यालय का उद्घाटन यहाँ पे हुआ है, यह कंपनी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे और इसी तरह जिस लगन से आप का टीम जो काम कर रहा है, चंदन जी का जो टीम, ब्रजेश जी का, वीरेंद्र बाबू का जो टीम काम जो कर रहे हैं, वो एक नया स्थान और नया मुकाम और नई पहचान गया जिला में निश्चित तौर पर हिमालय हाइट प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक दिन प्राप्त करेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारी कंपनी हिमालय हाइट प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड का उद्घाटन पूर्व विधायक अभय कुशवाहा जी के द्वारा किया गया, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं अपने सहयोगी वीरेंद्र भैया, जिनको प्यार से लोग गया वासी नाटू भैया बोलते हैं, और हमारे सहभागी ब्रजेश बाबू हैं, हम लोग मिल करके हम लोग चाहते हैं कि गया में आम लोगों के लिए सस्ता से सस्ता प्लॉट अपार्टमेंट बना करके उनके सपनों का घर हम बसाए। और साथ ही साथ आज का जो दौर चल रहा है
कि पढ़े लिखे लोग जो बेरोजगार हो गए हैं उनके लिए भी हम एक साधन बनाना चाहते हैं रियल एस्टेट में, रियल एस्टेट जो इंडस्ट्री का रूप हम देना चाहते हैं गया में, और इसी को इसी सोच लेकर के हम आगे बढ़े हैं। और हम आशा करते हैं कि आप सारे मीडिया भाई लोग के द्वारा या हमारे सहभागी या और हमारे जो गया वासी हैं उनके द्वारा सहयोग मिलेगा तो हम इस इंडस्ट्री को रियल एस्टेट में गया में लाने का कोशिश करते हैं। अपना परिचय जी, मेरा नाम डॉक्टर चंदन कुमार हुआ, मैं इस कंपनी का MD हूँ।